हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। सिल्ली प्रखंड के लापुंग पंचायत परिसर में आदिवासी जनपरिषद की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता लखीराम मुंडा ने की। इस बैठक में प्रमुखता से पंच परगना क्षेत्र में जमीन लूट, धर्म कोड, पेशा कानून, पांचवी अनुसूची की विषय पर विशेष रूप से चर्चा हुई। मुख्य अतिथि के रूप में आदिवासी जनपरिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा रहे। मुंडा ने कहा कि सिल्ली, सोनाहातू, राहे और अनगड़ा क्षेत्र में आदिवासी की जमीन पर गैर आदिवासी के द्वारा जोरों से जमीन लूटी जा रही है, इसलिए आदिवासी जन परिषद का संगठन को इस क्षेत्र में गांव-गांव तक मजबूत करने की आवश्यकता है। देखिए, आज आदिवासी जन परिषद का एक बैठक नहीं, महाबैठक हो रहा है, ये हम लोग का लुपुंग पंचायत में। और आज हम लोग सब समिति से सावना मुंडा जी को आज हम लोग प्रखंड अध्यक्ष घोषणा किए हैं, जबकि वो पचपरगना क्षेत्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं। और हम देख रहे हैं कि पचपरगना क्षेत्र में आदिवासियों का धर्म, संस्कृति, जमीन, संवैधानिक अधिकार, पेशा कानून, पांचवी अनुसूची कोई भी निर्वाहन नहीं हो रहा। और तो ट्राइबल सप्लान का जो हमारा राशि है उसको भी कहीं से डाइवर्सन किया जा रहा है, जबकि क्षेत्र में आदिवासी बहुत हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मूलवासियों का भी क्षेत्र है। तो इसी जन जागरण अभियान को चलाने के लिए आज हम सिल्ली का दौरा कर रहे हैं, और ये आवाज़ पूरे झारखंड में जाएगी, सोनाहातू में जाएगा, राहे में जाएगा, बुंडू से लेकर के अड़की में जाएगा। और ये जो हम लोग का क्षण के बातें आ रही है कि पूरे देश लेवल पर जो है हम आदिवासियों का धर्म कोड नहीं मिला है, तो आज विभिन्न मुद्दों का सर्वोच्च मुद्दा आज है कि आदिवासी धर्म कोड पूरे आदिवासियों का लागू हो, ताकि सब जिस प्रकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को धर्म कोड मिला है, उसी आधार पर हमको भी देश के पटल पर हमको न्याय मिले। इसलिए आज हम लोग इस बैठक को करने के लिए आए हैं। ठीक है।